सिंध हुकूमत कोई एक मंसूबा बता दे जिसमें करप्शन ना हुई हो। इनकी गंदम चूहे खा जाते हैं और बोरियों से मट्टी निकलती है। जितने पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं उतना कोई और नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साईं सरकार पर बरस पड़े। जलोजई इकोनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बोले, कम बोलता हूं लेकिन जवाब देना जानता हूं। लेकिन आप बताएं कि आपने सिंध में जो आपकी 15 साल की हुकूमत है आप लोगों ने क्या क्या है बताएं, जरा वो हमें बताएं। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बताएं जो आप लोगों ने किया हो और उसमें करप्शन ना हो। आपके गंदम चूहे कहा जाते हैं, उसमें मट्टी भर के वो कहते हैं कि ये उनके गंदम के बोरियों से मट्टी बरामद हुई है और कहते हैं ये बाद में कहते हैं ये चूहे कहा जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तर की तरफ देखने चाहिए। इनके अंदरूनी सिंध के जो हालात है, अगर इनके पास कराची ना होता, जो सारे प्राइवेट लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल प्राइवेट, इंडस्ट्री प्राइवेट, सारे यही इंडस्ट्री के लोग वहाँ पर मौजूद है, कारोबारी लोग मौजूद है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है सिंध का, पूरे पाकिस्तान का उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। जितने ये चोर है, जितने ये डाकू है, खुदा की कसम इनकी मिसाल मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं है। खुला चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो आए, जिधर जिस भी इदारे से इंक्वायरी करना चाहते हैं ओपन हैंड है, करे इंक्वायरी। जो भी गिल्टी हुआ उसको मैं खुद नहीं छोड़ूंगा। मेरा मिजाज इस तरह नहीं है, लेकिन बार बार जब ये खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट करेंगे तो एज अ चीफ मिनिस्टर ये मेरा हक है कि मैं उसको काउंटर करूं। कम बोलता हूं लेकिन टू द पॉइंट बात करता हूं, काम ज्यादा करता हूं, ये मेरी आदत है।